जितेंद्र वर्मा जैसे नौजवानों को पीएचडी किए युवा को बेरोजगार बनाकर, जो सोचते रहे कि कामयाबी यूं बटोरेंगे लेक्चरर बनकर, वो भूसा भरने को लाचार छोड़ दिए गए। 2016 में राजस्थान के कॉलेजेस में लेक्चरर की निकली भर्ती परीक्षा पास करने के बाद अब तक छात्रों को कॉलेज यूनिवर्सिटी में जिन्हें पाठ पढ़ाना था वो गाय घर की पुचकार रहे हैं। जिन्हें पीएचडी करने के बाद पिछले 5 साल से क्लासरूम में लेक्चरर बनकर चर्चा करनी थी युवा छात्रों के साथ, वो गायों को चारा डाल रहे हैं। रोजगार के सपनों पर विश्वास घाती व्यवस्था गोबर कैसे करती है देख लीजिए। 2016 में राजस्थान में लेक्चरर भर्ती निकली। जितेंद्र वर्मा जैसे नौजवान एससी एसटी वर्ग से परीक्षा पास करते हैं, लेकिन अचानक यह आदेश आता है कि एससी एसटी वर्ग के 150 पद तो खत्म कर दिए गए, और दलील ये दी गई, कह रहे वो 150 पद लेक्चरर वाले गलती से निकाल दिए गए थे। राजस्थान की राजधानी पिंक सिटी में सत्ता की गुलाबी खुशबू जिस एससी एसटी वर्ग को अपना बताकर वोट के दम पर हासिल की जाती है, उसी समाज के बेटे बेटियां अब भी लेक्चरर बनने की परीक्षा पास करके कंधे पर गोबर उठाकर चल रहे हैं। जुलाई 2020 में ही विभाग ने भेज दिया था आरपीएससी को, तो उसके बाद में हम फिर परेशान होते रहे। उसके संबंध में जहां जाना था वहां गए, मुख्यमंत्री साहब से भी मिल लिए, लगभग हम 3 बार मिल चुके मुख्यमंत्री साहब से भी, लेकिन उन्होंने कहा काम हो जाएगा, लेकिन काम अभी तक भी नहीं हुआ हमारा काम। यकीन ना हो तो देखिए, जिन्हें चयन करके कह दिया गया कि सॉरी गलती से पदों पर वैकेंसी निकाल दी थी, वो युवा अब भी अपने सपनों को हाई किए हुए हैं। 17 सितंबर 2019 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक को अपने साथ हुए सरकारी अन्याय की ये बात बता चुके हैं। अगस्त 2020 में जाकर ये चयनित बेरोजगार लेक्चरर मुख्यमंत्री को अपनी पीड़ा सुना चुके हैं। इस साल अप्रैल में भी गए थे, बेरोजगारी का दंश झेलते युवा मुख्यमंत्री के पास दर्द बताकर आए थे। हर बार सिर्फ इन्हें भरोसे की वो घुट्टी दी गई कि अरे अब देखो तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन काम हुआ नहीं। यही कारण है कि जिन्हें बच्चों की किस्मत चमकानी थी, ऐसी प्रियंका समाज शास्त्र में पीएचडी पास जैसी युवा लेक्चरर बनने की परीक्षा पास करने के 5 साल बाद भी सिर्फ एक बहू की जिम्मेदारी निभाते हुए घर में बर्तन मांज रही। रिजल्ट आया लेकिन हमारी सीट काट दी गई। उसके बाद से हम लगातार लगे हुए हैं, कभी एमएलओ के पास जा रहे हैं, कभी मंत्रियों के पास में जा रहे हैं, लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं कि हमारी सीट हमें वापस मिल जाए, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। पाश ने कहा था कि सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। आप सोचिए उस बेटी पर क्या बीतती होगी जिसने समाज शास्त्र में पढ़ाई करके पीएचडी की डिग्री ली, लेक्चरर भर्ती का एग्जाम निकाला, और 5 साल बाद भी वो पढ़ाई करियर बनाने की जगह रिश्ते निभाने में बीत रही हो। तो क्यों ना कहें कि ये बेरोजगारी सरकारी व्यवस्था के गर्भ से ही आई है, क्योंकि राजस्थान के कॉलेज और यूनिवर्सिटी में 10,000 से ज्यादा पद खाली है। 8 साल से एक लेक्चरर की भर्ती राजस्थान में नहीं हुई। वसुंधरा सरकार के समय शुरू हुई 918 लेक्चरर की भर्ती 4 अप्रैल को होनी थी, वो भी कैंसिल हो गई। नेट पीएचडी डिग्री लेकर बेरोजगार नौकरी पाने की उम्र की सीमा पार किए जा रहे हैं। एग्जाम दे दिए, रिजल्ट आ गया, बस ज्वाइनिंग बाकी था। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कई बार मिल चुके, मुख्यमंत्री कह रहे हैं गलत हुआ है, इंसाफ मिलेगा, मगर इंसाफ कब मिलेगा यह पता नहीं। भीषण गर्मी में यह लोग सड़कों पर नेताओं के दर पर भटक रहे हैं। जिनके कदम किसी कॉलेज में लेक्चरर बनकर शिक्षा देने को पहुंचने थे, वो अब भी चप्पलें घिस रहे हैं किसी विधायक किसी मंत्री के दफ्तर जाकर। विनोद मीणा जेएनयू से पीएचडी डिग्रीधारी। ये युवा पूछते हैं कि वोट लेते वक्त जिस एससी एसटी वर्ग के नौजवान के लिए नेता सीना फाड़ कर प्रेम दिखाते हैं, तो फिर मुख्यमंत्री जी जल्द गलती सुधार कर नौकरी देने का भरोसा करके भी नौकरी वाली फाइल क्यों नहीं खुलवा पाते हैं? जब कांग्रेस सरकार आई, जो सरकार एसटी एससी के वोट बैंक से बनती है, हमको उम्मीद थी कि हमको न्याय मिलेगा, लेकिन इस सरकार में भी हम सीएम साहब से 3 से 4 बार मिल चुके हैं, बावजूद इसके अभी तक हमको न्याय नहीं मिल पाया है। अब होगा न्याय का ही नारा कांग्रेस ने दिया, लेकिन कांग्रेस के ही विधायक दिल्ली से जयपुर फोन करा के भी नौकरी का न्याय नहीं दिला पाते। तो अपनी तरफ से जरूर 2 बार मैं खुद मिल के आया था माकन साहब को, जो अपनी पीड़ा थी ऐसे संबंधित जो भी मुद्दे थे उनके सामने रख के भी आया। 1-2 मुद्दों में उन्होंने संज्ञान भी लिया और चिट्ठी भी लिख के उन्होंने भेजी थी, लेकिन उसका भी जवाब अब तक कोई आया नहीं है कि क्या उसमें प्रकरण में हुआ।
सरकार चलाने के लिए 5 साल मांगने वाले, नौकरी देने का भरोसा देकर 5 साल बाद भी लेक्चरर की भर्ती नहीं कर पाते, पीएचडी पास से गोबर उठवाते, रोजगार के अधिकार का गुड़गोबर करने वाली ऐसी कुनीतियों पर दस्तक देना जरूरी है। शरद कुमार, जयपुर आज तक।